हर मुल्क की तरक्की की स्पीड का अंदाजा उनके स्टूडेंट से लगाया जा सकता है कि एक्चुअली उनके स्टूडेंट्स कितने फास्ट हैं, चाहे वो इनोवेटर्स हों, डेवलपर्स हों या साइंटिस्ट हों। आज ये कैंपस में हम जा रहे हैं फास्ट यूनिवर्सिटी टू सी के हाउ फास्ट कैन फास्ट एक्चुअली गेट। Honestly, fast produces innovation. I mean, there is innovation, new ideas. हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ टूल्स पे काम नहीं करते, हम यहाँ लॉजिक्स पे काम करते हैं और टूल्स इंडिपेंडेंट रहते हैं। देख लें, एक बंदा जो ट्रेन का टिकट लेना चाहता है वो पहले इतनी लंबी लाइन में खड़ा होता था, अब ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी, सारे फास्ट के ग्रेजुएट है, डेटा बेस की उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करे हैं, अब वही काम जो एक घंटे में होता था आधे सेकंड दो सेकंड में हो जाता है। एक पाकिस्तानी PhD स्टूडेंट ने क्रिएट किया एन एप्लीकेशन फॉर अ विंडोज फोन एंड क्रिएटेड एन आइडिया ऑफ आईफोन आईपैड, अब वो हम ही में से कोई एक बंदा था। तो इट्स अबाउट मेकिंग अ चेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो आइडिया जो है वो मैटर करता है। पिछले साल ही FIP का एक प्रोजेक्ट था, फेस रिकग्निशन था वो टोटल, यानी कि फेस रिकग्निशन तो आप कहते हैं सही है, यानी कि हर किसी ने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो फेस रिकग्निशन का बना था उसमें सारे बग्स को उन लोगों ने सॉल्व करा कि यानी कि अच्छी तरह से पकड़ सके, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन रहे हैं। ये आप ATM की टेक्नोलॉजी देखें, वो प्योरली फास्ट ने डोमिनेट किए, सारे फास्ट के ग्रेजुएट हैं जो आज ये पूरी ATM की संभाल लें, जिसके ज़रिए आपका बैंक का बिल हो गया, बैंक की पेमेंट्स हो गई, सब कुछ एकदम से रैपिड चेंज या सडन चेंज एकदम से इतना नहीं आ सकता। जैसा हमारे पास पहले NIC सिंपल NIC होते थे, अब वो कंप्यूटराइज रहे, ऐसा ऐसा जिस तरह नादरा की बात की, नादरा अब देखें कंप्यूटर बेस्ड डेटा बेस है उनके पास, इसी तरह और भी मतलब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में ऐसा ऐसा कंप्यूटर इन्वॉल्व होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज हो रही है। कोडर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैकेनिकल लोग हैं, हमारे अंदर भी दिल है और हम पाकिस्तानी हैं। जहाँ तक कहने का ऑनेस्टी का ताल्लुक है, मेरे हिसाब से मतलब वी हैव टू बी ऑनेस्ट, सही है ना, और अगर आप और मैं ऑनेस्ट नहीं है तो भी उसका सलूशन होना चाहिए, ठीक है, एक ऊपर बंदा होना चाहिए जो आपको टप मारे और आपको कहे कि ओके फिक्स इट अप। तो मेरे हिसाब से मतलब पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि इफ़ यू हैव अ टेक्नोलॉजाइज्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम तो काफ़ी हद तक वी कैन मतलब टर्न थिंग्स अपसाइड डाउन। एज गर्ल्स हमें सिखाया जाता है कि अगर पढ़े लिखोगे तो रोटी गोल बनेगी, यू नो थिंग्स लाइक दैट, तो इट्स नॉट अबाउट, हमने स्टीव जॉब्स का तो कभी सोचा ही नहीं, आई मीन स्टीव जॉब्स तो अब पहली बार हम शायद बात कर रहे हैं, हम तो बात ही कभी किसी और चीज़ की करते हैं यहाँ पे बैठ के, सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर ओन माइक्रोसॉफ्ट और क्रिएटिंग योर ओन गूगल। तो ये था आज का ETech, और अगर आपके पास भी कोई ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिनका आप ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन, या आप कोई इनोवेटर हैं जिन्होंने बनाई है कोई इनोवेशन, आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं @e-tech@expressnews.tv या फेसबुक पर हमारा फैन पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हेवा साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीक।